हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने के लिए लिया है मैंने 1 किलो गाजर और ये ड्राई फ्रूट्स। 1 कटोरी में मैंने ये देसी घी लिया है और ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये किशमिश है, बादाम और काजू, और 1 लीटर मैंने लिया है दूध। तो आइए गाइज, करते हैं शुरू। सबसे पहले हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। आपने मोटा करना है या पतला करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गाजर हमारी कद्दूकस हो चुकी है। अब हम कढ़ाई में घी डाल लेंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें कद्दूकस की हुई सारी गाजर डाल देंगे। गाजर को हमें लगातार चलाते जाना है, उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएंगे। गाजर को हमने अच्छे से पकाना है 10 से 12 मिनट तक। गाजर हमारी पक चुकी है, उसको मैंने पूरा 10 से 15 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है। अब हमने जब तक ये दूध नहीं सूख जाता तब तक इसको पकाना है। हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। हाँ
इनको अच्छे से मिला दूंगी और हम इसको अच्छे से पकाएंगे, पूरा गाढ़ा होने देंगे। हलवा हमारा बन चुका है, देखिए हमारे हलवे ने घी छोड़ दिया है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।